हाय गाइस, आई होप कि आप लोगों की होली अच्छी से रही। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि होली से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर करें, और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाय चांस आपके स्किन को डैमेज हो चुका है, हेयर डैमेज हो चुके हैं, तो अब आप अपने हेयर और स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली बात, गुलाल कलर अगर आप नहीं हटा पा रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा कॉटन में ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल ले लें, और धीरे धीरे अपनी स्किन को उसे रब करें ताकि आप वो कलर निकल पाए धीरे धीरे, स्लोली ताकि स्किन को और ज्यादा डैमेज ना करें। और आप चाहे तो आप उबटन लगा सकते हैं, जिसके लिए आप बेसन ले सकते हैं 1 चम्मच। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें मलाई मिला सकते हैं और थोड़ा सा हनी और थोड़ी सी टर्मरिक मिला के पैक बना के आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, उसमें आप रोज वाटर मिला सकते हैं और थोड़ा सा टर्मरिक मिला सकते हैं। अगर आपको आपकी स्किन को थोड़ा सा भी डैमेज हुआ होगा या सेंसिटिव है आपकी स्किन और रैशेज हो गए हैं आपको कलर्स की वजह से, तो ये टर्मरिक आपकी स्किन को सूथ करने की कोशिश करेगा, तो वो आपका लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपकी स्किन से कलर अच्छे से निकल गया है लेकिन स्किन बहुत ज्यादा फ्लेकी और ड्राई हो गई है, तो आई विल रिकमेंड कि आप एलोवेरा जेल यूज करें। आप एलोवेरा जेल लगाकर अच्छे से रख सकते हैं अपनी स्किन को थोड़ी देर के लिए, और चाहे तो वॉश करना है तो अगर आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि एलोवेरा जेल लगा के छोड़ देती हूँ। आई डू नॉट वॉश माय फेस आफ्टर अप्लाइंग एलोवेरा जेल, तो वो भी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। प्लीज अगेन अपने होठों को ना भूलें, उसे अच्छे से मॉइस्चराइज करें। आप आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सा लिप बाम है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी होगी तो उसमें नरिशमेंट और इचीनेस कम करने के लिए अपने नेवल पे धुन्नी, जिसे हम धुन्नी कहते हैं हिंदी में, अपने नेवल में कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है वो वेन्स के थ्रू नरिश हो सके। दूसरी बात, आपके बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है शैम्पू से तो प्लीज आप उस पे ऑयलिंग दोबारा से जरूर करें होली के बाद, ताकि जो भी नरिशमेंट, जो भी आपका हेयर ड्राई हो गए हैं वो उसको नरिशमेंट मिल सके। अगर आपके पास कोई एक अच्छा सा हेयर मास्क है तो आप ऑयल की जगह पे उसे भी लगा के छोड़ सकते हैं 30-45 मिनट्स के लिए, और फिर आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के तरफ जाना चाहते हैं तो अपने बालों पे आप कर्ड और आप एग वाइट लगा सकते हैं मिक्स करके, वो भी बहुत अच्छा कंडीशनर है, उससे आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन मिलेगी और नरिशमेंट भी बहुत मिलेगा। दैट्स इट, आई होप आप लोगों को मेरे टिप्स पसंद आए होंगे। डू लीव योर कमेंट बिलो, अगर इसमें से आपने कोई भी टिप यूज किया होगा तो प्लीज आप मुझे लिख के जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।